और सड़क के दोनों हजारों की संख्या में ढांचों से जुड़ी हुई लोग प्रधान मोदी का स्वागत कर रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं पर भी जो आज संख्या में गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का काफिला, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का मिशन गुजरात, दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला। गुजरात के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा दौरा और उत्साह गुजरात में जबरदस्त देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी रोड शो की लाइव तस्वीर इस वक्त आप ये देख रहे हैं। यानी कि ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का भी प्रधानमंत्री यहां पर उद्घाटन करेंगे। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ है और गुजरात और प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता कितना मजबूत है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज की ये तस्वीरें देखकर एक बार फिर से ये साबित हो जाता है कि गुजरात के लोगों के दिल में प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या जगह है, क्या स्थान वो रखते हैं गुजरात के लोगों के हृदय में। मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं इस रोड शो के लिए और इसकी ये लाइव तस्वीर है। इस वक्त लोगों की खुशी, लोगों का उत्साह देखिए। प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। महिलाएं, बच्चे, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद यही कि प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह इस बार भी इस रोड शो के जरिए लोगों से सीधा संवाद करेंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और कोई भी उनके इस रोड शो से निराश होकर नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए ये देखिए कैसे सड़कों के किनारे भारी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तो गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन वो करने वाले हैं और ये रोड शो की इस वक्त शुरुआत आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सूरत से ये तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। अरे मोदी वाला आज हिस्सा लेने वाले हैं, विकास की कई परियोजनाओं का यहां उद्घाटन करने वाले हैं और लोगों में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह। हम आपको जी मीडिया पर सीधी दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सूरत की सड़कों पर एक तरफ जन सैलाब उमड़ा हुआ है तो दूसरी ओर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये फ्लिट। आप देखिए लोग किस तरीके से मोदी मोदी के नारे। हालांकि इसी दक्षिण गुजरात से अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार की शुरुआत की थी और सीधे तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब 27 साल बाद गुजरात से हटने जा रही है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का जादू है जो प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एरिया आता है। यहीं से रोड शो शुरू होते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो सूरत शहर में लिम्बायत पहुँच रहा है जहाँ पर वो बहुत बड़ी संख्या में। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। दो दिन के गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। विस्तार कहा जाएगा, ये तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए, लेकिन लिम्बायत सूरत शहर में लिम्बायत में जहाँ पर ये रोड शो खत्म होगा वहां पे वो बहुत बड़ी एक सभा होनी है। लगभग कहा जा रहा है लाखों लोग उस सभा में जुटने वाले। वहीं से इस सूरत शहर के लिए करीब मैं आपको बता दूं 3200 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। एक पुराना किला है यहाँ पर जो अंग्रेजों के कार्यकाल में बना हुआ था, सूरत शहर के अंदर वो किला है
उस किले का नवीनीकरण जो है वो किया गया है, उसका भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीलगिरी मैदान से ही करेंगे। आप देखिए, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो या कोई हो, हर उम्र के लोग सिर्फ यहाँ पर मोदी 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 मोदी। सूरत शहर की कितनी सीटें बीजेपी को मिलेगी इस बार? 12 से 12, 182 पूरी गुजरात में। नरेंद्र भाई मोदी, तुम आगे बढ़ो। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। बीजेपी ने विकास किया है गुजरात में? यस, पूरा का पूरा विकास किया है। गुजरात की गंगा जमुना बहलाई है, पूरा विकास है, विकास किया है। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, उस अरविंद केजरीवाल को ये गुजरात की जनता, आज जब उनका बेटा गुजरात पहुंचा है तो सड़कों पर उतर कर ये जवाब दे रही है। हालांकि यही से 3200 करोड़। कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो मोदी मोदी के नारे लगाते लोगों को देखिए। तय कार्यक्रम के मुताबिक 11 बजे सूरत में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का वो यहां शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इसके बाद वो भावनगर जाएंगे। दोपहर करीब 2 बजे वो वहां पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज हमारा सूरत का रबारी समाज पूरा प्रधानमंत्री मोदी साहब को मेरा स्वागत के लिए खड़ा है। टोटली हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़े हैं, हमारा रबारी समाज का जो पैरवेश है उसके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच देखकर कितनी ज्यादा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले को देखिए और लोगों के उत्साह को भी देखिए। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, तस्वीरें सब कुछ खुद बयां करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन का गुजरात दौरा, गुजरात चुनाव से पहले इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है और सूरत में जिस तरीके से लोगों की सूरतों पर खुशी दिख रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि वो अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर कितने खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि सूरत बीजेपी का गढ़ भी रहा है और जब आपको याद होगा कि जीएसटी लागू हुआ था तो उस समय ये आरोप लग रहा था विपक्ष द्वारा कि जो व्यवसायिक इसी जोश में नजर आ रहे होंगे और आगे तक जहां तक अगर 3.5 किलोमीटर का ये रोड शो था, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले तो आगे की तस्वीरें भी अगर हम दिखा पाए। देखिए, यहाँ पर फूल बरसाए गए थे और यही पर शायद से जितना याद है कि यहाँ गुजराती समाज का पंडाल था, गरबा कर रहे थे लोग। नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2014 से पहले, तो गुजरात को अच्छी तरह समझते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव से पहले ये गुजरात दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में हैं और अपने बीच अपने नेता को देखकर लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ रहा है, 2 दिन का पूरा कार्यक्रम उनका निर्धारित है। तो इस वक्त सूरत में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद भावनगर भी जाएंगे।
दोपहर 2 बजे वो वहां पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। शाम को प्रधानमंत्री 7 बजे के करीब अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ भी उनके हाथों होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री रात में करीब 9 बजे अहमदाबाद में नवरात्रि महोत्सव में भी शामिल होने वाले हैं। तो पहले दिन का उनका पूरा प्रोग्राम यही है और इस वक्त प्रोग्राम की शुरुआत सूरत से हो चुकी है। आप देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कैसे विकास की परियोजनाओं के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और गुजरात में विकास की बात जब करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जहन में जरूर उभर कर सामने आती है। और आपको जो वोटों का, जो वहां पर सीटों का समीकरण है वो भी दिखा रहे हैं। गुजरात दौरा गुजरात के चुनाव से पहले बेहद अहम माना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर गुजरात के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात की जाती है तो उनको पसंद करने वालों में महिलाएं और बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा शामिल होते हैं। आप ये देखिए, कई रंगारंग कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में यहां लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर उन्हें अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये विकास की तमाम परियोजनाओं को गुजरात के लोगों को तोहफे के रूप में देने वाला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आज अपने स्टेट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों के बीच, और लोगों का उत्साह भी ये बताने के लिए काफी है कि उनके बीच उनका अपना नेता आया है। ये देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे सड़क किनारे बैरिकेडिंग के उस पार लोग खड़े हैं, शांति पूर्वक यहाँ पर प्रधानमंत्री के काफिले के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर रोड के दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं उनके काफिले की ओर और इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक उन्हें देखने के लिए मिल जाए। रहते हुए उन्होंने गुजरात को एक नई दिशा दी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये अहम गुजरात दौरा और प्रधानमंत्री मिशन गुजरात, क्योंकि नरेंद्र मोदी और लोगों के बीच का ये सीधा संपर्क, कहां पर क्या काम करना है, काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लोगों का अभिवादन वो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि लोगों से वो सीधा संपर्क करते हैं और यही वजह है कि उनके रोड शो में जिस तरीके की भीड़ देखी जाती है, जिस तरीके का उत्साह लोगों में देखा जाता है, वो कम ही देखने को मिलता है। मिशन गुजरात और ये धुआंधार प्रचार। आज भी अगर हम सूरत की बात करें तो वहां पर 3400 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय वक्त पर अपने इस दौरे की शुरुआत की, सुबह 11 बजे अब से कुछ देर पहले, यानी सूरत में उनका ये रोड शो शुरू हुआ। 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, ये मोदी मोदी के नारे, हम गुजराती यादव बोलते हैं, तो हम लोग मोदी जी को एक झलक देख के बहुत खुश हो गए और हमारा थर्ड है, हमारा थर्ड मजबूत है, हमको यही थर्ड चाहिए और कोई नहीं चाहिए। नहीं, हमें मोदी ही चाहिए, मोदी मोदी मोदी। तो देखिए तस्वीरें, महिलाओं का उत्साह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर खुशी देखिए और किस तरीके से यहां पर आश्वासन दे रही हैं ये महिलाएं कि उन्हें इस बार भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खुशी है और उनके लिए नेता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में ये तस्वीरें देखिए, सूरत से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त सूरत में ये रोड शो चल रहा है। दो दिन के गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरे के दौरान उनका पहला पड़ाव है सूरत। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में इस रोड शो की शुरुआत की। मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार कर रहे हैं सूरतवासियों। 11 बजे सूरत में इस रोड शो की शुरुआत करते हुए अब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जो डायमंड सिटी के नाम रोड शो के दौरान हमने देखा किस तरीके से सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ हाथ हिला रहे थे और अब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन भी प्रधानमंत्री यहां पर करेंगे। फिलहाल मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया। गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दो दिवसीय दौरा जिसके दौरान वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, गुजरात के लोगों को कई तोहफे देने वाले हैं, तो विकास के कई कामों का यहां पर जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं की यहां पर शुरुआत भी करेंगे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा जो गुजरात को, तस्वीरें देखिए सूरत की, ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बनें।